दिल्ली इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहा है, ऐसे में एक एक बूंद कीमती है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी खुद जो है ग्राउंड पर उतरी हैं, और मैम एक आंकड़ा दिया गया, एलजी की तरफ से भी कहा गया, कई बार कोर्ट में भी आया कि 40 से 54% करीबन पानी ऐसा है जो अनअकाउंटेड है, या तो लीक हो रहा है या रिपेयरिंग की वजह से जा रहा है। उसके लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है मैम? देखिए 50% पानी लीक नहीं हो रहा है, अनअकाउंटेड बताया उन्होंने। अगर 50% पानी लीक हो रहा होता तो दिल्ली में 12 महीने बाढ़ होती, अगर रोज 500 मिलियन गैलन पानी लीक हो रहा होता। ये आपकी बात सही है कि कुछ एरिया जो अनअकाउंटेड फॉर वाटर है, इसका मतलब है वो अनबिल्ड वाटर है, कि हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके वाटर मीटर नहीं है, हो सकता है स्लम्स में रहने वाले लोग हों, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोग हों, तो इससे दिल्ली जल बोर्ड को पैसे की कमी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पानी प्रयोग नहीं हो रहा है, वो पानी इस्तेमाल हो रहा है, दिल्ली के लोगों के द्वारा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं आज हम ये सोनिया विहार से, जो साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन है, साउथ दिल्ली जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, उस पाइपलाइन को एग्जामिन करने के लिए आए हैं। और अगर आप दूर तक देखिए, अगले आधे किलोमीटर तक यहाँ से दिख रहा है, कहीं पर एक बूंद पानी भी इस पाइपलाइन से नहीं टपक रहा, बल्कि पूरा रेतीला इलाका है, रेत उड़ रही है, जो दिखा रहा है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी की लीकेज होती तो यहाँ पे बिल्कुल कीचड़ कीचड़ मौजूद होता, तो स्वाभाविक बात है कि लीकेज इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज दिल्ली में 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन 40 MGD गिर गया है। ये 40 MGD इसलिए गिरा है क्योंकि हरियाणा से कम पानी आ रहा है, और अगर आप जो ये लीकेज है आप उसे 1 MGD 2 MGD पानी अगर बचा भी लेंगे, फिर भी 40 MGD पानी की कमी तभी पूरी होगी जब हरियाणा सरकार वजीराबाद में भी और मुनक कनाल में पूरा पानी छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, टैंकर माफिया बात चली, आपने कल एलजी को पत्र भी लिखा और कहा कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं वो जल बोर्ड के सीईओ हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए और टैंकर्स को घटाने की आपने बात की। देखिए इसमें दो पक्ष हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले ये बात है कि दिल्ली जल बोर्ड आज के दिन में तकरीबन 1000 टैंकर चला रही है, वो दिन में 6 से 8 राउंड लेते हैं। इतना बड़ा टैंकर्स का नेटवर्क होने के बावजूद भी इनमें सिर्फ 4 से 5 MGD पानी यूज होता है, यानी अगर आप प्राइवेट टैंकर्स को रोक भी लेंगे तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप 0.25 MGD पानी बचा लेंगे। जो 40 MGD पानी की कमी है उसकी पूर्ति तभी होगी जब हरियाणा पानी देगी। लेकिन ये भी बात सच है कि जनवरी 2024 से लगातार पानी के टैंकर की संख्या घटाई जा रही है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को बार बार आदेश दिए कि टैंकरों की संख्या पुराने से बराबर कर दी जाए, क्योंकि अगर सरकारी टैंकर घटेंगे तो इसलिए प्राइवेट टैंकर माफिया को बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में भी और रिटर्न आदेश के बाद भी जिन अफसरों ने टैंकर नहीं बढ़ाए उन पर तो टैंकर माफिया से मिली भगत की इंक्वायरी होना जरूरी है। सर्विसेज LG साहब के पास है, विजिलेंस LG साहब के पास है, सारे अफसर उनके कंट्रोल में है। तो इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो दिल्ली सरकार के अफसरों ने जिनने टैंकरों की संख्या नहीं बढ़ाई उन पर इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होने तक सस्पेंशन भी होना चाहिए। मुनक नहर का जो रिपेयरिंग का मामला चल रहा है, ये क्या हरियाणा के जिम्मे है या दिल्ली सरकार के जिम्मे है? और जो आपने हल्फनामे में ये भी कहा है कि जो पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलीगल तरीके से वो हरियाणा की हद में है, तो हरियाणा से पूछा जाए। देखिए बिल्कुल, अगर मुनक कनाल से कहीं से भी पानी लिया जा रहा है, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको कहा वो हो सकता है 0.5 MGD हो, 0.25 MGD हो, 0.1 MGD पानी हो, लेकिन उतने भी पानी की चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर 0.01 MGD भी पानी चोरी हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करना तो हरियाणा के बॉर्डर में हरियाणा पुलिस का काम है और दिल्ली के बॉर्डर में दिल्ली पुलिस का काम है। कैनाल की रिपेयरिंग हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे है, उसके पैसे दिल्ली सरकार देती है, पानी के पैसे दिल्ली सरकार देती है और दिल्ली सरकार लगातार पैसे देती रही। ठीक है, तो जल मंत्री बता रही हैं कि किस तरीके से पानी की जो बड़ी कमी है वो इस वजह से है कि हरियाणा से जो रॉ वाटर है वो नहीं आ पा रहा, इसकी वजह से जो उत्पादन है वो 40 MGD तक घट गया है, इसकी वजह से किल्लत हो रही है। दूसरी बात जो टैंकर माफिया की बात है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पानी के जो टैंकर चलते थे जल बोर्ड के उनकी संख्या घटा दी गई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो प्राइवेट टैंकर्स पर निर्भर हैं और टैंकर माफिया को उससे बढ़ावा मिल रहा है। प्रीवियस सीईओ निशांत के साथ जितेंद्र भाटी ने बात, दिल्ली।